सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस के बारे में। सो बेसिकली हमको सबसे पहले ये देखना है कि थायराइड हार्मोन रिलीज कैसे होता है। इन आवर हाइपोथैलेमस एक न्यूक्लियस होता है, इसको बोलते हैं पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। न्यूक्ली यस। सो इन आवर हाइपोथैलेमस वी सी इन अ पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। पैराविंटिकुलर न्यूक्लियस का काम होता है थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज कराना। एंड दिस थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है गाइस, वो एक्ट करता है थायरोट्रोफ पे। दीज आर द सेल्स विच आर प्रेजेंट इन एंटीरियर पिट्यूटरी और दीज सेल्स आर नोन एज थायरोट्रोप्स। और गाइस होता क्या है, जो ये थायरोट्रोप होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज होता है, उस हार्मोन को बोलता है थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दिस इज TSH। सो वॉट इज द फंक्शन ऑफ दिस TSH? जो TSH होता है वो थ्रू रिसेप्टर बाइंड करता है फोलिकुलर सेल्स ऑफ थायरॉयड। तो फोलिकुलर सेल्स ऑफ थायरॉयड जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है थायरॉयड हार्मोन के सिंथेसिस के लिए। तो वॉट आर फोलिकुलर सेल्स? और बेसिकली गाइस होता क्या है कि जो फोलिकुलर सेल्स होते हैं इसके दो एंड होते हैं। एक एंड जो कि ब्लड वेसल की साइड होता है, इस एंड को बोलते हैं बेजोलेटरल एंड, बेजो लेटरल एंड। एंड वो एंड जो कि बेसोलेटरल एंड से दूर होता है, मतलब जो एंड इसके साइटोप्लाज्म की ओर होता है, सेंटर की ओर होता है, इसको बोलते हैं एपिकल एंड। सो बेसिकली वी हैव सीन टू टू टाइप ऑफ एंड्स। यहाँ पे दो टाइप में एंड देखने को मिलते हैं, एक तो बेसोलेटरल एंड होता है और एक एपिकल एंड होता है। तो ऐसा होता क्या है कि थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है एक प्रोटीनेसियस हार्मोन है। तो ये करता क्या है कि सेल के अंदर मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता है। जो मैकेनिज्म होती है वो थ्रू जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन कंटिन्यू होती है। तो होता क्या है गाइस, TSH जो होता है वो जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन थ्रू GTP बाइंड होकर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। होता क्या है गाइस की जो जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन होता है वो पहले इनएक्टिव फॉर्म में होता है। वो इनएक्टिव फॉर्म में कैसे होता है, वो GS से बाउंड होता है थ्रू GDP विच इज इनएक्टिव फॉर्म ऑफ स्टिमुलेटरी प्रोटीन। एंड आफ्टर स्टिमुलेशन फ्रॉम एनी प्रोटीन हार्मोन, जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन GTP से बाउंड होता है जो कि एक्टिव फॉर्म है। तो दिस इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन। एंड नाउ दिस जी स्टिमुलेटरी जो प्रोटीन होता है वो ए मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम होता है, उसको एक्टिवेट करता है। तो जो मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन हमें यहाँ देखने को मिलता है, वॉट इज दिस प्रोटीन? ये जो प्रोटीन होता है ये होता है एडीनाइलेट साइक्लेज। सो गाइस दिस इज द एंजाइम विच इज नोन एज एडीनाइलेट साइक्लेज। अब एडीनाइलेट साइक्लेज का फंक्शन क्या होता है, ये ATP को कन्वर्ट करता है साइक्लिक AMP में। सो एडीनाइलेट साइक्लेज कन्वर्ट द ATP इनटू साइक्लिक AMP। एंड साइक्लिक AMP क्या होता है, ये एक साइक्लिक AMP जो होता है ये एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेसिस को। एंड ये जो प्रोटीन काइनेस होता है ये एक्टिवेट करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को। एंड गाइस होता क्या है कि जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है वो DNA पर एक स्पेसिफिक जीन सीक्वेंस को एक्टिवेट करता है, जिससे स्पेसिफिक टाइप का mRNA बनता है। एंड इस mRNA जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाके प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। एंड दिस प्रोटीन इज नोन एज थायरोग्लोबुलिन। एंड देन दिस प्रोटीन गोज इन टू द गोल्जी बॉडी। तो गाइस होता क्या है, गोल्जी बॉडी में जैसे ये प्रोटीन जाता है देन इट इज पैक्ड इनटू वेसिकल। एंड दिस प्रोटीन इज देन रिलीज फ्रॉम द एपिकल एंड ऑफ द फॉलिकुलर सेल इनटू द साइटोप्लाज्म। सो दिस प्रोटीन जो हम यहाँ पे ये प्रोटीन देख रहे हैं, दिस इज अ प्रोटीन विच इज नोन एज ग्लोबुलिन, थायरोग्लोबुलिन सॉरी। तो दिस थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन इज मेनली मेड अप ऑफ टायरोसिन अमीनो एसिड। जो ये थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन होता है इसमें मेनली होता है टायरोसिन अमीनो एसिड। सो बेसिकली वी हैव सीन द प्रोसेस। सबसे पहले क्या होता है, थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो रिसेप्टर से बाउंड होता है, जिससे जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन का एक्टिवेशन होता है। ये जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड एडीनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करता है, जिसका फंक्शन होता है ATP को साइक्लिक AMP में कन्वर्ट करना। एंड दिस साइक्लिक AMP जो होता है वो प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करता है, जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट करके स्पेसिफिक टाइप के mRNA का सिंथेसिस करता है।
एंड ये हमारा ने एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन की जो होता है फोल्डिंग करवाता है, इन गोल्जी बॉडी से वेसाइकल में रिलीज होता है थ्रू एपिकल एंड, एंड दिस प्रोटीन इज थायरोग्लोबिन। सो बेसिकली वी हैव सीन अबाउट द रिलीज ऑफ प्रोटीन थायरोग्लोबिन। और जो नेक्स्ट कंपोनेंट होता है थायरोसिन का वो होता है आयोडीन। सो बेसिकली आयोडीन जो होता है वो डाइट्री सोर्स से ऑब्टेन होता है। सो आयोडीन इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम द डाइट्री सोर्सेस। अब होता क्या है किसी सेल के अंदर ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, होता क्या है सेल के अंदर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है और सेल के बाहर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। एंड आयोडीन जो होता है इसका मूवमेंट एनर्जी पे डिपेंड करता है। कैसे? बिकॉज ऑफ सोडियम इज मोर ऑन आउटसाइड एंड देन इन इनसाइड, तो होता क्या है सोडियम जो होता है वो एंटर करता है थ्रू पैसिव मूवमेंट। सो देयर इज पैसिव मूवमेंट ऑफ द सोडियम, बट जैसे ही सोडियम का पैसिव मूवमेंट होता है इससे क्या होता है एनर्जी रिलीज होती है एंड दिस एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द आयोडीन मूवमेंट। आई होप गाइस आपने समझा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही सोडियम का मूवमेंट पैसिव होता है उससे एनर्जी रिलीज होती है जो कि आयोडीन को मूवमेंट के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है, एंड दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज नोन एज सेकेंड रिएक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो वैसे होता क्या है जो सेकेंड रिएक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो आयोडीन के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इनटू फॉलिकुलर सेल। देन होता क्या है आयोडीन जो होता है वो नेक्स्ट टाइप के जो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि एपिकल एंड पर होते हैं उनके थ्रू पास होता है अगेन विद द एक्सचेंज ऑफ क्लोराइड आयन्स। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो आयोडीन होता है वो क्लोरीन के अपोजिट मूवमेंट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू एपिकल मेम्ब्रेन एंड दिस टाइप ऑफ एंटीपोडर इज नोन एज पेंड्रीन। तो पेंड्रीन क्या होता है, ये एंटीपोडर होता है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है आयोडीन को और क्लोरीन को। सो बेसिकली होता क्या है आयोडीन जो होता है वो साइटोसोल में आ जाता है एंड नाउ वी आर सीइंग अनदर एंजाइम। दिस टाइप ऑफ एंजाइम इज नोन एज थायरोपरोक्सीडेज। दिस एंजाइम इज नोन एज थायरोपरोक्सीडेज। सो इस थायरोपरोक्सीडेज का फंक्शन क्या होता है, जो आयोडीन माइनस होता है आयोडाइड आयन्स इसको ऑक्सीडाइज करना आयोडीन में, तो ऑक्सीडेशन। सो बेसिकली जो फर्स्ट स्टेप होता है आयोडीन थायरोक्सिन सिंथेसिस में होता है आयोडीन का ऑक्सीडेशन, आयोडाइड का ऑक्सीडेशन इनटू आयोडीन। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो थायरोपरोक्सीडेज होता है वी हैव सीन अबाउट द दिस इज अवर थायरोग्लोबिन प्रोटीन। ये हमारा थायरोग्लोबिन प्रोटीन है। दिस इज अवर थायरोग्लोबुलिन। तो इस थायरोग्लोबुलिन में क्या होता है, ये जो थायरोपरोक्सीडेज होता है ये आयोडीन के मॉलिक्यूल को बाइंड करके इस थायरोग्लोबुलिन के साथ कॉन्जुगेट कर देता है। सॉरी गाइस। तो होता क्या है जो आयोडीन होता है वो इस थायरोसिन थायरोग्लोबुलिन के जो टायरोसिन मॉलिक्यूल्स होती है उनके साथ कॉन्जुगेट हो जाता है, I2, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन। तो ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन में बेसिकली होता क्या है, जो आयोडीन होता है वो बाइंड करता है थ्रू थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन, देन देयर इज अ सिंथेसिस ऑफ डाइहाइड्रोथायरोनिन, डाइहाइड्रोथायरोनिन और मोनोहाइड्रोथायरोनिन। व्हाट इज डाइहाइड्रोथायरोनिन एंड मोनोहाइड्रोथायरोनिन? होते क्या है, जैसे कि टायरोसिन अमीनो एसिड है, इस वो टायरोसिन अमीनो एसिड, अगर इस टायरोसिन अमीनो एसिड से दो आयोडीन अटैच्ड है, व्हाट आई डिड सेड, मैंने कहा कि जैसे टायरोसिन अमीनो एसिड है अगर उससे दो आयोडीन अटैच्ड है तो उसको बोलेंगे डाइहाइड्रोथायरोनिन, एंड अगर यहाँ पे अगर एक आयोडीन अटैच्ड है जैसा कि हम देख रहे हैं तो इसको बोलेंगे मोनोहाइड्रोथायरोनिन। अब इसके पास नेक्स्ट स्टेप जो होती है कपलिंग। सो व्हाट इज कपलिंग रिएक्शन,
इन कपलिंग रिएक्शन डाई आइडोथायरोनिन कंबाइंड विद डाई आइडोथायरोनिन टू फॉर्म द T4, दिस इज नोन एज थायरोक्सिन। डाई आइडोथायरोनिन कंबाइंड विद मोनो आइडोथायरोनिन टू फॉर्म द T3, दिस इज नोन एज ट्राई आइडोथायरोनिन। सो वॉट इज कपलिंग रिएक्शन? बेसिकली कपलिंग रिएक्शन कुछ नहीं होता है, कपलिंग रिएक्शन में होता क्या है कि जो डाई आइडोथायरोनिन होता है वो डाई आइडोथायरोनिन से कंबाइंड होता है और उससे T4 का फॉर्मेशन होता है। डाई आइडोथायरोनिन मोनो आइडोथायरोनिन से कंबाउंड होता है और उससे क्या होता है T3 का फॉर्मेशन होता है। सो इन नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो ये प्रोटीन होता है आयोडीन बाउंड थायरोग्लोबुलिन, तो जो ये आयोडीन बाइंड थायरोग्लोबुलिन होता है इसका ट्रांसपोर्ट होता है सेल के अंदर थ्रू एंडोसाइटोसिस, थ्रू एंडोसाइटोसिस क्या होता है कि जो थायरोग्लोबुलिन जो होता है जो कि आयोडीन से बाइंड है सेल के अंदर एंटर करता है, दिस इज अवर थायरोग्लोबुलिन बाइंड विथ आयोडीन। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो लाइसोसोमल एंजाइम होता है दिस इज अवर लाइसोसोम एंड दिस इज अवर लाइसोसोमल एंजाइम। बेसिकली इनका फंक्शन क्या होता है, कट करना। दिस डाई आइडोथायरोनिन और मोनो आइडोथायरोसिन थायरोनिन थायरोसिन को फ्रॉम थायरोग्लोबुलिन। क्या कहा मैंने गाइस, जो लाइसोसोम के एंजाइम्स होते हैं वो डाई आइडोथायरोनिन और मोनो आइडोथायरोनिन जो कि हमने ट्राइडोथायरोनिन T3 और T4 जो होते हैं उनको सेपरेट कर देते हैं पूरी थायरोग्लोबुलिन की चेन से। तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है T4 एंड T3 आफ्टर कटिंग फ्रॉम लाइसोसोम। एंड नाउ दिस T3 एंड T4 आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। और गाइस होता क्या है, जैसे अपना लीवर होता है दिस इज अवर लीवर एंड अवर लीवर रिलीजेस एन एंजाइम। हमारा लीवर जो होता है एक टाइप का ग्लोबुलिन रिलीज करता है, इसको बोलते हैं थायरिन थायरोसिन या फिर बोल थायरॉइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन। सॉरी गाइस, व्हाट व्हाई आई वांट टू से दैट लीवर जो होता है वो स्पेसिफिक टाइप का ग्लोबुलिन रिलीज करता है, इसको बोलते हैं थायरॉइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन। वो जो होता है वो इस T3 और T4 के ब्लड में ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो गाइज दिस इज ओवरऑल प्रोसेस ऑफ द थायरॉइड सिंथेसिस। सबसे पहले होता है क्या है, हाइपोथैलेमस में पैराफेंट्रिकुलर न्यूक्लियस होता है जिनसे थायरॉइड रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है। इस थायरॉइड रिलीजिंग हार्मोन जो होता है वो थायरोट्रोप्स को स्टिमुलेट करते हैं जिससे TSH रिलीज होता है एंड दिस TSH बाइंड टू द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑफ द फोलिकुलर सेल्स ऑफ अवर थायरॉइड। एंड देन वेरियस मैकेनिज्म होती है जिससे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। प्रोटीन जो होता है यहाँ पे थायरोग्लोबुलिन होता है, थायरोग्लोबुलिन के बाद क्या होता है इसका आयोडीनेशन होता है, ऑक्सीडेशन। सबसे पहले आयोडीन का ट्रांसपोर्ट होता है, फिर आयोडीन का ऑक्सीडेशन होता है, फिर और आयोडीन जो होता है वो थायरोग्लोबुलिन से बाइंड होकर इसको ऑर्गेनिफिकेशन कहते हैं, फिर इसका एंडोसाइटोसिस के थ्रू T3 और T4 जो होते हैं वो लाइसोसोमल एंजाइम जो होते हैं उसको अलग कर देते हैं और ब्लड स्ट्रीम में T3 और T4 रिलीज होते हैं। नाउ दिस T3 एंड T4 इज बींग बाउंडेड बाई द थायरॉयड बाइंडिंग ग्लोबुलिन विच इज रिलीज बाय द लीवर। सो दिस वॉज द ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ द थायरॉयड हार्मोन सिंथेसिस। आई होप गाइज आपने इसको लाइक किया, आपको ये अच्छा लगा होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।